अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हक के बाहर वाके नुक्ते से हक पर उबूत खींचना, इसमें इसका तीसरा तरीका प्रकार का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से हक के बाहर वाके नुक्ते से हक पर उबूत खींच सकते हैं, इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने कागज़ की तहकारी के जरिए हक के बाहर वाके नुक्ते से हक पर उबूत खींचा था, उसके बाद गुनीर की मदद से भी हमने यही अमल किया था। अब हमें देखना है कि हम प्रकार की मदद से इसको किस तरीके से हक के बाहर वाके नुक्ते से खत पर उबूत खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नापपट्टी की मदद से खत MN बनाए, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब खत MN बनाने के बाद इस खत के बाहर कहीं पर हमें नुक्ता K लेना। मान लीजिए नुक्ता K हमने यहाँ पर लिया, ये नुक्ता K है। अब नुक्ता के पर प्रकार का आहनी सिरा, इसको हमें रखना होगा और अपने सहूलत के मुताबिक फासला लेकर ए और बी खत MN को छीटा कर सके ऐसे दो कॉस बनाना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो नुकात हमको मिल रहे हैं, इस नुक्ते को हम नाम देंगे नुक्ता ए और इस नुक्ते को नाम देंगे नुक्ता बी। अब यहाँ पर हमें नुक्ता ए और नुक्ता बी दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अगला ए पर फासला लेंगे और ए बी से थोड़ा सा नेत्र से ज़्यादा फासला लेकर नीचे की जानी एक कॉस लगाएंगे और वही फासले को बरकरार रखते हुए हम नुक्ता बी पर पॉइंट करके एक कॉस इसको कटा करता हुआ लगाएंगे। इस नुक्ते का नाम हम पी देंगे। अब स्केल की मदद से नुक्ता के और नुक्ता की हमें इसको मिला दें। तो यहाँ पर हमारे सामने खत MN पर नुक्ता के की उमूर बन गया है। इस तरीके से हम खत के बाहर वाके नुक्ते से खत पर प्रकार के जरिए उमूर खींच सकते हैं।